नमस्कार दोस्तों, 23 मई को दिल्ली में पीएम के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं, संघ के नेताओं और यूपी के प्रभारी सुनील बंसल की बैठक हुई थी। इस बैठक में जेपी नड्डा, पीएम मोदी, दत्तात्रेय हंसबोले, सुनील बंसल थे। इसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर, सत्ता को लेकर, सरकार को लेकर एक दौर चला था। उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव होगा, कैबिनेट में बदलाव होगा या फिर योगी बदले जाएंगे, इस तरह की भी चर्चा हुई, क्योंकि इसके बाद से लगातार बैठकों का दौर शुरू हुआ संघ का और बीजेपी नेताओं का। इसके बाद दत्तात्रेय हंसबोले लखनऊ आए, उनके साथ बीएल संतोष आए, महासचिव बीजेपी के, और उन्होंने कई बैठकें यहां पर की। 3 दिन तक रहे, सभी लोगों से मिले, आधा दर्जन मंत्रियों से मिले, डिप्टी सीएम से मिले, और उसके बाद से लग रहा था कि कुछ ना कुछ बड़ा होगा। लेकिन इसके बाद फिर से जिस तरह से राधामोहन आए, जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि कैबिनेट में बदलाव करना ये सीएम का अधिकार है, वो अपने आप करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसके बाद इसी बीच में संघ की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बीएल संतोष ने अपनी रिपोर्ट संघ नेताओं को दी। इस बैठक में दत्तात्रेय हंसबोले भी थे, सर संघ चालक भी थे मोहन भागवत भी। हालांकि इस बैठक में मोहन भागवत सिर्फ एक दिन रहे, लेकिन ये बैठक 2 दिन चली। दोस्तों, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ जो अभी तक पर्दे के पीछे है, इस बैठक का वो सत्य जो निकल कर आया है। दोस्तों, इस बैठक में संघ ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जो आने वाले 5ों विधानसभा चुनाव में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आप सबको। सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि संघ ने निर्णय लिया है कि पीएम मोदी अब चेहरा नहीं रहेंगे राज्यों के चुनाव में, यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, यानी जो 5 राज्यों के चुनाव होने हैं और इसके अलावा दूसरे भी चुनाव होने हैं, उसमें पीएम मोदी अब फेस नहीं रहेंगे इलेक्शन का। वहाँ का स्थानीय नेतृत्व, वहाँ के जो सीएम रहेंगे, वो चेहरा रहेंगे, उनके नाम पर, उनके काम पर चुनाव लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सीएम योगी ही अब सरकार का चेहरा रहेंगे। आपने देखा होगा पिछले दिनों जो ट्विटर से या पोस्टर से पीएम मोदी का पोस्टर जो हटाया गया, वो इसी रणनीति का हिस्सा है। अब पोस्टर पर योगी, स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा, इनके ही पोस्टर रहेंगे। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बदलाव इस बैठक में हुआ है कि मुस्लिमों को लेकर पार्टी और संघ ने पार्टी क्या निर्णय लेती है बात का विषय है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें मुस्लिमों को लेकर भी एक बदलाव देखने को मिलेगा। दरअसल संघ का सोचना था कि पीएम मोदी को चेहरा बनाने से जो विपक्षी दल हैं उनको, पीएम को एंटी मोदी, एंटी मुस्लिम साबित करने का मौका मिलता है, जैसा उन्होंने बंगाल चुनाव के दौरान किया, और वहाँ 70% मुस्लिमों ने एक मुस्त होकर TMC को वोट दिया। इसलिए वो चाहती है, यानी इसलिए संघ चाहता है कि इस बार जो यूपी चुनाव हो उसमें पीएम मोदी ने चेहरा ना होकर योगी चेहरा हो, क्योंकि पूर्व में गोरखपुर रीजन में तो मुस्लिमों में भी योगी की स्वीकार्यता है। गोरखनाथ मंदिर में जो मकर संक्रांति का खिचड़ी मेला लगता है, वहाँ पर स्थानीय मुस्लिम व्यापारी बहुत होते हैं। यहाँ तक कि जो फैसले होते हैं उनके डिस्प्यूट के, पिछड़ों के, मुस्लिमों के, वो भी मंदिर में बैठ कर योगी करते हैं। योगी को लेकर मुस्लिमों में उस एरिया में कोई नाराज़गी नहीं है। इसके साथ साथ ये भी संघ के नेताओं ने निर्णय लिया कि इस बार कुछ मुस्लिम कैंडिडेटों को भी टिकट दिया जाए, चुनाव में उतारा जाए। गौरतलब है कि 2017 के चुनाव में किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था। साथ ही पीएम मोदी का चेहरा हटाने के पीछे एक वजह यह भी है कि इससे उनकी छवि को नुकसान हो रहा है। संघ नहीं चाहता कि उनकी छवि जो है दूषित हो या उसका राज्यों का इफेक्ट उनकी छवि पर पहुंचे, क्योंकि उनके लिए राष्ट्रीय राजनीति महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय राजनीति का इफेक्ट उनके चेहरे पर जा रहा है, उनकी छवि पर जा रहा है। जैसे कि TMC चुनाव जीत गई पश्चिम बंगाल में, इससे वहाँ पर भी मोदी वर्सेज ममता ही रही, इसका इफेक्ट जो है उनकी छवि पर गया। ऐसे ही दिल्ली विधानसभा के चुनाव के दौरान केजरीवाल वर्सेज मोदी रहा। संघ नेताओं का मानना कि इस तरह की चीज़ें, या 2015 में जो बिहार विधानसभा के दौरान हुआ, जो नीतीश वर्सेज मोदी रहा, तो इनका इफेक्ट मोदी की छवि पर गया, इसलिए अब राज्यों में मोदी चेहरा नहीं रहेंगे, स्थानीय नेतृत्व चेहरा रहेगा। हाँ, अंतिम निर्णय बीजेपी नेतृत्व को करना है, क्योंकि इसे सामूहिक नेतृत्व के साथ चलते हैं, या इस तरह जो संघ के लोगों का कहना है उस तरह से चलते हैं। इसके साथ और भी बड़ी बात इस बैठक में हुई है, वो ये कि जो वैक्सीनेशन के शुरू 21
जून से शुरू हो रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन संघ के जो सबसे पहले सरसंचालक हैं जो गोलवरकर जी, उनका भी उनकी भी पुण्यतिथि है, इसलिए ये दिन संघ के लिए भी महत्वपूर्ण है। और इसकी जिम्मेदारी 200 करोड़ डोज लगाने की जिम्मेदारी जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संघ ने सौंपी है। उनका कहना था कि ये काम बड़ी तेज़ी से होना चाहिए क्योंकि कोविड मैनेजमेंट को लेकर यूपी में, उत्तराखंड में काफ़ी नाराज़गी है, इसलिए संघ चाहता है कि बहुत जल्दी से लोगों को वैक्सीनेशन दी जाए ताकि लोगों की नाराज़गी कम हो। साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति पर लेकर भी निर्णय लिया कि जो शरद पवार जो फैमिली है उसको भी साधा जाए, उनको भी साथ लेकर आया जाए ताकि वहाँ पर पार्टी बेहतर स्थिति में आए। इसके साथ साथ और भी कई निर्णय लिए गए हैं जो आने वाली राजनीति के लिए, आने वाले चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। बड़ा निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है जिसकी घोषणा अभी नहीं की है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि राशन योजना दिवाली तक जारी रहेगी, लेकिन दोस्तों राशन योजना दिवाली तक नहीं बल्कि दिवाली के बाद भी जारी रहेगी। सरकार और संघ चाहता है कि जब तक चुनाव ना हो राशन लोगों तक जाता रहे, इसलिए जैसे ही दिवाली आएगी उसी दौरान ये घोषणा की जाएगी कि ये राशन अभी जारी रहेगा, तो दिवाली के आसपास फिर से इनकी तारीखें बढ़ाई जा सकती हैं। साथ ही और कई बड़े निर्णय इस बैठक में हुए, एक तो यही कि दत्तात्रेय हंसबोले अब लखनऊ बैठेंगे। साथ ही पीएम मोदी और संघ प्रमुख के बीच जो कम्युनिकेशन देखेंगे वो देखेंगे भैया जी जोशी। मनमोहन वैद अब भोपाल रहेंगे, हालांकि सर संघ प्रमुख जो है नागपुर ही बैठेंगे। तो ये बड़े निर्णय इस बैठक में हुए जो आगे में ही 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए बड़े निर्णय हैं। ये साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश में योगी ही चेहरा रहेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। पीएम मोदी फेस अब राज्यों के चुनाव में नहीं रहेंगे, लेकिन जो फाइनल निर्णय लेना है वो बीजेपी नेतृत्व को लेना है। तो दोस्तों ये आपसे एक्सक्लूसिव जानकारी मैंने शेयर की। अगर आप चाहते हैं कि लगातार आपको एक्सक्लूसिव और बेहतर कवरेज इंडियन पॉलिटिक्स की मिलती रहे तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।